पूरे देश में बड़ी ही सावधानी के साथ विजयादशमी का त्यौहार मनाया गया, लेकिन दशहरा के बाद दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सोमवार की सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 405 रहा। इस सीजन में ये पहली बार है जब दिल्ली की हवा का AQI 400 के पार गया हो। इससे पहले यानी रविवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर यानी कि AQI 352 था। ITO में एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 दर्ज किया गया। आनंद पर्वत में AQI 403 और अशोक विहार में 520 दर्ज किया गया। दिल्ली कैंट और नारायणा को छोड़कर रविवार को सभी इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्थिति में था। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में रविवार शाम हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच गई। गुड़गांव और फरीदाबाद में भी हवा की गुणवत्ता काफी हद तक बहुत खराब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार वायु प्रदूषक PM 2.5 और PM 10 दिल्ली के चार पड़ोसी जिलों में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। CPCB डेटा के अनुसार रविवार रात 8 बजे गाजियाबाद के लोनी इलाके में AQI 416, इंदिरापुरम में 374, संजय नगर में 354 और वसुंधरा में 330 था, जबकि नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 382, सेक्टर 62 में 363 और सेक्टर 1 में 356 दर्ज किया गया। गुड़गांव के सेक्टर 51 में AQI 370 और विकास सदन में 329 रहा, जबकि फरीदाबाद के सेक्टर 16A में 366, सेक्टर 30 में 363 और NIT में 319 दर्ज किया गया। वैसे हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI अगर 0 से 50 के बीच रहे तो इसे अच्छी मानी जाती है, वहीं 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच में मध्यम मानी जाती है, लेकिन अगर ये 200 के ऊपर पहुंच जाए तो यह खराब स्थिति में आ जाती है। 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बेहद खराब और 401 से 500 तक स्थिति गंभीर हो जाती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।